हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास और ये पार्ट टू है। इससे पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दोपहर के 1 बजे देखना मत भूलिएगा रेलवे का जीके खजाना। रेलवे का जीके खजाना चल रहा है स्पेशली NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीरियस हैं NTPC और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के, तो आप इस क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए या फिर टाइम सेट कर लीजिए, ताकि आप एक भी दिन की क्लास मिस ना कर सके। मैं आपको 5000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अभी आधुनिक इतिहास का मैं कम से कम भी आपको 200 से 300 क्वेश्चन कराऊँगा, जो कि एग्ज़ाम में अगर आप ये 200 से 300 क्वेश्चन करके चले जाते हैं आधुनिक भारत से, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करते रहा करें। ठीक है, पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए डेली वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लाइक देख के, आपके शेयर देख के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले। काफ़ी सही क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। बिल्कुल, दादा भाई नेहरू जी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, दादा भाई नेहरू जी एक प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे, जो कि 1892 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। तो कब हुए थे दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं, 1892 में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसे याद रख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। देखिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी बंदोबस्त, देखिए स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। कब लागू किया था ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये हुए थे 1793 में गाइस। ठीक है, और इसके तहत कंपनी ने जमींदारों को भू स्वामी स्वीकार करके लगान को नियत कर दिया था, यानी कि लगान देना कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है गाइस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल, पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए, कांग्रेस के लिए एक झंडे का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था, बाद में पिंगली वेंकैया ने आधुनिक झंडे का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन जो आपका मूल झंडा था उसमें अशोक चक्र की जगह चरखा था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, झंडे के बीच में लगा होता है, उसमें पहले चरखा लगा हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। और गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखिए आज ही 11 बजे, रात के 11 से 12 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है कि अनअकैडमी का प्लस कैसा होता है और वहाँ पे टीचर कैसे पढ़ाते हैं, तो 1 घंटे की क्लास आपको मिलने वाली है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करके या फिर आगे की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आज 10 तारीख को यानी कि 11 से 12 बजे ये क्लास चलेगी, तो इसमें हर एक स्टूडेंट मुझे वहाँ दिखना चाहिए, जितने भी अभी यहाँ पे करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डच। ठीक है, तो डच इसका सही आंसर रहेगा, बाकी भी मैं बता देता हूँ। देखिए, डच कहाँ से आए थे, होलैंड के निवासी थे डच। ठीक है, और भारत के पूर्वी तट पर कोई व्यापारी बस्ती नहीं थी डचों की। अगर मैं फ्रांसिसो की बात करूँ, फ्रांसिसी जो थे आपके, ये आपके पुदुचेरी और पुर्तगाली आपके गोवा में रह, मतलब उनका जो बस्ती थी वो गोवा में थी, और डचों की जो बस्ती थी वो कोची में थी। तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं गाइस। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ इतना भी अगर आप लिख लेते हैं ना अपनी कॉपी में, तो एक्स्ट्रा तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो सही आंसर रहेगा लाहौर अधिवेशन में। देखिए लाहौर अधिवेशन कब होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1929 में। तो आप इसको भी याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और इसमें सबसे पहले एक ये भी आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी। तो स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज की का जो लक्ष्य रखा गया था और जो स्वीकार किया गया था वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट में से कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से भी सुन रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कवर हो रही होंगी, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, तो शेयर और लाइक आपके रुकने नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे चाहें तो 1000 बच्चों को भी जोड़ सकते हैं, बट वो तरीका मेरे से नहीं आता है कि मैं आपको चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बोलने में ही समझ जाया करें कि अभी शेयर करना है, दूसरों को जोड़ना है। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। तो किस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा मैकाले मिंट 1835 के माध्यम से। तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन सी लगाएंगे, समझ गए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए। आपको बताना है इनमें से, देखिए क्रांति क्षेत्र हैं सभी के, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का है, खान अब्दुल बहादुर खां का है, खां अब बहादुर खां का है, वीर कुम सिंह का है, नाना साहेब का है। बट इनमें अगर मैं देखूँ, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर का, इंदौर से नहीं है उनका क्रांति क्षेत्र, तो क्या है उनका, कहाँ का है उनका, झांसी है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था वो झांसी से किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए डेलोजी की जो हड़प्पा नीति के तहत झांसी की, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के कारण विरोध कर रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती थी, जिसका कोई मतलब ठोस वो नहीं होता था ना नेतृत्व करने वाला किसी भी एक एरिया का, तो उसे वो अपने में मिला लेती थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसमें मिला लेती थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उसका विरोध किया था। और ये कहाँ पे किया था इन्होंने, झांसी में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, झांसी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेतुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। देखिए किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। बहुत अच्छे, सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, वीर सावरकर, ठीक है। तो वीर सावरकर ने लिखा था। देखिए इनके बारे में बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको। वीडी सावरकर एक राजनीतिक विचारक, हिंदुत्व व स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा और अभिनव भारत का नाम क्रांतिकारी स्थान की स्थापना की। वर्ष 1911 में इन्हें नासिक जेल के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए या फिर उसके षड्यंत्र के लिए 7 अप्रैल 1911 के लिए काला पानी की सजा मिली थी। तो इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया था, जेल की दीवारों पर ही भारत का इतिहास लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रखनी है। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा की नीति का पालन हुआ। तो भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा की नीति का पालन हुआ, इसका सही आंसर रहेगा सतारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हड़प्पा की नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डेलोजी ने किया था। नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे, देखिए हड़प्पा की नीति क्या थी ये भी आप समझिए, जरूर पॉइंट समझिए कि जिन राष्ट्र के एक वैध उत्तराधिकारी नहीं थे
उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, जैसे झांसी को मिलाया जा रहा था तो रानी लक्ष्मीबाई ने वहीं पे ही उस चीज़ का विरोध किया था, तो झांसी को भी इसी तरीके से मिलाया जा रहा था क्योंकि झांसी का कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं था। और इसी नीति के तहत साम्राज्य ब्रिटिश सरकार ने मिला लिए थे। तो उन साम्राज्यों के नाम थे, सतारा था, जैतपुर था, संभलपुर था, बघाट था, उदयपुर था और झांसी था। तो ये जो राष्ट्र थे ये मिला लिए थे किसने, ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा, किसके शासनकाल में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सही आंसर लगाएंगे। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास और 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिनका मुख्य कार्य क्या था, परीक्षाएं संचालित करना था। चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रगार लूट में शामिल नहीं था। कौन सा चटगांव सॉरी इसका सही आंसर रहने वाला है, बिल्कुल ऑप्शन डी, दिनेश गुप्ता इसका सही आंसर रहेगा, तो आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में पोस्ट स्टैंप का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था। पोस्ट स्टैंप का, तो देखिए भारत में पोस्ट स्टैंप का प्रचलन करने वाला गवर्नर था लॉर्ड डेलोजी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए पोस्ट स्टैंप का प्रचलन तथा डाक महानिदेशक की नियुक्ति करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलोजी था। इसके अन्य कार्य भी थे दोस्तों, हड़प्पा की नीति, रेलवे का प्रारंभ करना, सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा इत्यादि, ये सभी लॉर्ड डेलोजी के कार्यकाल में ही हुए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मूलशंकर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। तो इतनी चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं, 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल में राष्ट्रवाद की जड़ें यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता से भयभीत होकर लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन स्टार्ट किया था, 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। और इसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग मतलब विभाजित कर दिया गया था। और इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किया था। 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के या काला दिवस के घोषित कर दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और यहाँ पे शुरू किया था, कहने पर लोगों ने वहाँ पे एक दूसरे की कलाई पर राखी भी बांध दी थी। ठीक है, तो ये भी इसी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ष से संबंधित था। गाइज इसका सही आंसर रहने वाला है मध्यम वर्ग से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी। तो सही आंसर रहेगा कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, उपनिवेशक था, और भारत के उपनिवेश बनाना या ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था यहाँ से कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना तथा उन दोहन से ब्रिटिश उद्योग धंधों का विकास होता था। कच्चे माल का अनुमूलन, आपूर्ति के लिए ब्रिटिश पूंजी अधिकतर कृषि पर ही खर्च की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? देखिए, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक प्रसिद्ध नेता थे जो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, और वर्ष 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता के सूत्र आधारों में से एक थे, लेकिन बाद में इनके कांग्रेस में मतभेद हुए और उसके कारण कांग्रेस विरोध और राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक हो गए। 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे, तो सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे कौन? पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक व्यापार नियंत्रित करने वाले पुर्तगाली थे। ये पश्चिमी घाट अरब सागर, हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रित करते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी बलकुर को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आपका, सूची वन का सूची टू से मिलान करें। तो ये मिलान आपका होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहले का तीसरा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का लोकनायक, ठीक है, तो इसका पहले का हो जाएगा तीसरा, सी एफ एंड एंडस, ये आपका हो जाएगा बी का, यानी कि दूसरे का पहला, ठीक है। और दादा भाई नेहरूजी आपका रहेगा, यानी कि तीसरे का दूसरा, और ये बचा है आपका कौन सा? लाला लाजपत राय, यानी कि चौथे का रहेगा, चौथा ये आपका रहेगा पंजाब केसरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहले का तीसरा, ये केवल इसमें बी में ही दिख रहा है आपको, तो यही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बसीन की संधि के बाद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल इसका भी सही आंसर आपका असहयोग में, तो असहयोग इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, सत्य जो आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए, गांधी की अभिव्यक्ति का माध्यम था जिसकी अभिव्यक्ति असहयोग से होती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम लीग ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, भारत में दो राष्ट्रीय सिद्धांत के जनक के रूप में इकबाल को माना जाता है, लेकिन वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। पाकिस्तान शब्द जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तान वर्ड, वैसे हमारे यहाँ पर इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, बट फिर भी जो ये पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का जो शब्द है ये किसने दिया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो खालिस्तान किसने लिखा था? बिल्कुल, नरसिंह मेहता ने लिखा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे?
गाइज इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, SC Vidya, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में विज्ञान के अध्ययन के लिए की गई थी और SC Vidya पहले भारतीय थे जिन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वांडीवासा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसको तो छोटा सा बच्चा भी बता सकता है, महात्मा गांधी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में बंबई के ग्वालियर के टैंक मैदान से गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी और इस घोषणा का उद्देश्य तथा उद्घोषणा के रूप में करो या मरो का नारा भी दिया था और इसी आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा भी दिया था। तो जो आपका ये था असहयोग आंदोलन, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। इसमें दो नारे दिए गए थे, ये आपका था करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी द्वारा और आराम हराम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ठीक है गाइस, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सूरत में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 ईस्वी में स्थापित की थी, कहाँ पे? सूरत में। मुसलीपट्टनम और पेटापुली के स्थान की थी, लेकिन उपरोक्त विकल्पों में सूरत सबसे सही विकल्प होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था सबसे पहला? बिल्कुल 1930 में गाइस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो झंडा फहराया था और 1930 में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट हो चुका है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर रहेगा, इसको हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन खालिस्तान, यह वक्तव्य किसका है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई। बिल्कुल, तो ये वक्तव्य है आपका जवाहरलाल नेहरू का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो या तो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे मैसेज करके उसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं। कोई अदर भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और देखिए डेली 1 बजे ये वीडियो आ जाती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक जो फ्री में कोर्स है अनअकैडमी का प्लस कोर्स वो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, अभी जाके उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।